Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we'll discuss how to prepare a trial balance. Previous class में भी हम लोग समझे थे, previous video में भी समझे थे कि trial balance को कैसे तैयार करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं, जिसमें कि हम बताए थे कि trial balance को हम लोग basically तीन method से तैयार करते हैं. एक तो होता है total method, दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग बैलेंस मेथड कहते हैं, और थर्ड तीसरा जो है उसको हम लोग टोटल कम बैलेंस मेथड कहते हैं, यानी मिक्स मेथड कहते हैं. तो सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरह से ट्रायल बैलेंस बनाने का एक जो मेन पर्पस, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो अभी तक काम हम कर चुके हैं, यानी जो हम जर्नल बना चुके हैं, जो हम जर्नल बना चुके हैं, यानी जर्नल मीन्स जर्नल एंट्री बना चुके हैं, फिर उसके बाद जो हम लेजर प्रिपेयर यानी पोस्टिंग कर चुके हैं, तो इनको इनके बेसिस पर ये देखना होता है ट्रायल बैलेंस बनाने से. ये मेन मकसद है, इसका उद्देश्य है कि जो लेजर में पोस्टिंग किए हैं, जो जर्नल एंट्री किए हैं, क्या ये सही हुआ है कि नहीं है, यानी इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस चेक भी करते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच्ड हो गया तो इसका मतलब हम सही काम किए हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम क्या किए, मिस्टेक किए. तो इन मिस्टेक को भी खोजने में ट्रायल बैलेंस बहुत हेल्प करता है. अब सवाल ये है कि ट्रायल बैलेंस को हम लोग बैलेंस मेथड से कैसे तैयार करते हैं. तो चूंकि प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग समझे थे कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग ट्रायल बैलेंस को जब भी तैयार करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मीन्स एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस मीन्स एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट. तो इस तरह से इसका ट्रायल बैलेंस में, अब सपोज कर इसमें कुछ कुछ पॉइंट को मुझे याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा डेबिट बैलेंस होता है और कौन कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है. तो जैसे कि एसेट्स है, या फिर एक्सपेंसेस आप कहिए, या इसमें एक्सपेंसेस में लॉसेस भी आ गया, या फिर आपका ड्राइंग हो गया, तो ये सब बेसिकली जो है इन सभी को हम लोग डेबिट बैलेंस में शो करते हैं. ये सब जो है वो एक प्रकार का डेबिट बैलेंस है, और चूंकि डेबिट बैलेंस होने के नाते इसको ट्रायल बैलेंस में हम लोग डेबिट में लिखते हैं. और जैसे ही जैसे अगर आपका लायबिलिटी हो या कैपिटल हो, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैपिटल हो या फिर लायबिलिटीज हो या फिर इनकम गेन प्रॉफिट हो, तो इन सब का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो इसको बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्रेडिट में पोस्ट करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं. तो इस तरह से ओवरऑल लास्ट में जो है सो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो जाते हैं. तो हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस यानी लेजर जो पोस्टिंग हुआ है, या जो जर्नल एंट्री बनाए ट्रांजैक्शन के बेसिस पर, फिर उसके बेसिस पर लेजर बनाए, फिर उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये समझते हैं कि मेरा अभी तक का जो काम है वो बिल्कुल सही हुआ है. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अकाउंटिंग ईयर एंड होने को है और समय अभाव के चलते कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि ट्रायल बैलेंस आपका क्लोज नहीं होता है, तो उस केसेस में हम लोग सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं और फिर सस्पेंस अकाउंट से हम लोग उस ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर देते हैं. हाँ, इसका ये रीजन होता है कि अगर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट्स इंडिकेट करता है, और अगर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी इंडिकेट करता है. तो यहाँ तक हम लोग ट्रायल बैलेंस को समझे हैं. नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसको फाइनल अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू.